सालों तक जिन्हें सीमित रखा गया, घर की दहरी में, रोटियां बेलने में, घर की साफ सफाई में, लिपाई पुताई में, उन्हें ही मोदी सरकार ने सशक्तिकरण का आधार बना दिया। सरकारों ने स्लोगन तो बहुत दिए, लेकिन असल मायनों में सशक्तिकरण क्या होता है ये दिखाया है मोदी सरकार ने। चौके चूल्हे की दहलीज से निकालकर उनके हाथ में थमाया गया एक हथियार, जिससे न सिर्फ उनका विकास हो बल्कि उनके साथ साथ समाज भी आगे बढ़े। आज मोदी सरकार के माइलस्टोन स्टेप नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में विस्तार से बात होगी। न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भारत सरकार ने ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए कई पहल की है। नमो ड्रोन दीदी योजना एक अनूठी योजना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं को सशक्त बनाते हैं। ये योजना महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस योजना के साथ नरेंद्र मोदी का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ लखपति दीदी देखना है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह, जिसे आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, उनको और भी ज्यादा सशक्त करना है। चलिए अब नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में बताते हैं कि इससे महिलाओं को कितना फायदा होगा, कैसे महिलाएं पैसे कमा पाएंगी इस योजना के जरिए, कैसे महिलाएं सशक्त होंगी। सशक्त महिलाएं राष्ट्र को विकसित बनने में मदद करती हैं, और तो और नमो ड्रोन दीदी योजना इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। केंद्र सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों SHG को 15,000 ड्रोन प्रदान करेगी, जिससे वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें और अपनी आजीविका का समर्थन कर सकें। हालांकि उन्हें ड्रोन 3 साल में मिलेगा। ये योजनाएं कृषि उद्योग में ड्रोन के उपयोग को भी बढ़ाती है, उसे मजबूत बनाती है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं किसानों को किराए पर ड्रोन उपलब्ध करा सकती हैं, जिससे उन्हें कम या ज्यादा छिड़काव से छुटकारा पाने और कीटनाशकों से खुद को बचाने में मदद मिलेगी। साथ ही महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी मिलेगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है, इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग और तकनीक तक पहुंच मिलेगी। उन्हें व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान सहित पायलटिंग, संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण भी मिलेगा। महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की प्रेरणा और कृषि अनुप्रयोगों में व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। ये भी जानिए महिला किसानों के लिए ड्रोन व्यवसाय का जरिया कैसे बनेगा। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 2 साल में 15,000 ड्रोन मिलेंगे, जिससे वो किराए पर देकर पैसे कमा सकेंगी। स्वयं सहायता समूह इन योजनाओं का लाभ उठाकर विभिन्न ड्रोन व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं, जैसे फसल छिड़काव, सटीक कृषि, फील्ड मैपिंग और डेटा संग्रह। फसल पर कीटनाशक और उर्वरक छिड़कते समय ड्रोन का उपयोग बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है, जिससे बर्बादी कम होती है। इससे फसल की सेहत को बेहतर बनाने और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। ये फसलों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करके खेती के नए पहलू को सक्षम बनाता है, जिससे बेहतर संसाधन प्रबंधन संभव होता है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को मिट्टी के विश्लेषण, सिंचाई निगरानी और खरपतवार का पता लगाने का अवसर भी मिल सकता है, जिससे डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद मिलती है। सरकार स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता के साथ व्यवसाय स्थापित करने में मदद करेगी और ड्रोन के रखरखाव की लागत में भी मदद मिलेगी। स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन की लागत का केवल 20% देना होगा, क्योंकि सरकार 80% वहन करेगी। इसके अलावा सरकार ड्रोन तकनीक में महिलाओं के लिए उन्नत प्रशिक्षण और कौशल विकास को निधि देगी। साथ ही साथ सरकार किसानों के साथ जुड़ने में SHG का समर्थन करेगी, ताकि एक दीर्घकालिक व्यवसायिक साझेदारी बनाई जा सके और कृषि को सक्षम बनाने में भाग लिया जा सके। उदाहरण के लिए नैनो यूरिया जैसे अभिनव तरल उर्वरकों के लिए ड्रोन महत्वपूर्ण उपकरण हो सकते हैं। ड्रोन उद्योग लगातार विकसित हो रहा है और ये योजना महिलाओं के लिए गतिशील स्टार्टअप परिस्थिति की तंत्र में भाग लेने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। SHG की महिलाएं उभरते क्षेत्र में
अप्रयुक्त क्षमता को उजागर कर सकती हैं, जो आर्थिक विकास और नवाचार में सहायता कर सकती है। ये योजना कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देती है, खतरनाक पारंपरिक तरीकों की जगह सुरक्षा उपायों में सुधार करती है। ये किसानों के स्वास्थ्य पर कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रभाव को भी रोक सकता है। ये परिचालन लागत को कम करके फसल की पैदावार बढ़ा सकता है। इसके अलावा ये किसानों को खेती से जुड़ी पारंपरिक गतिविधि के कारण होने वाले शारीरिक तनाव से भी छुटकारा दिलाता है। चलिए अब आपको बताते हैं इस योजना के लिए कौन कौन एलिजिबल है। इस योजना के लिए केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकेंगी। आवेदक कृषि गतिविधि में शामिल होना चाहिए, आवश्यक दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, आवेदक का आधार कार्ड भी होना चाहिए, पासपोर्ट आकार की छवि, खाता पासबुक, पैन कार्ड, मेल पता। योजना के लिए आवेदन कैसे करें, अब इसके बारे में भी जानिए। आवेदन के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना के बारे में और भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सोचिए, एक समय जब सालों तक किसी को सीमित रखा गया, दहलीज से बाहर नहीं आने दिया गया, सिर्फ महिलाएं रोटियां बेलती थीं और घर के कामकाज को देखती थी, लेकिन आज महिलाएं खुद अपने पैरों पर खड़ी हैं और अब पैसे भी कमा रही हैं, और इसके लिए मोदी सरकार की ये माइलस्टोन योजना जो है कारगर साबित हो रही है।